दोस्तों आईपीएल 2023 के 53वें मैच में शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स और नीतीश राणा की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होगी। दोनों टीमों ने अब तक इस सीजन में 10-10 मैच खेले हैं। पंजाब ने 5 मैच जीते हैं जबकि कोलकाता ने 4 मैच जीते हैं। इस वीडियो में हम पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों से कंपेरिजन करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस टीम की बल्लेबाजी ज़्यादा दमदार है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इस आईपीएल में हमारे 45 में से 42 मैचों की प्रेडिक्शन सही गई है। तो अगर आप भी टॉस और मैच प्रेडिक्शन करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम पे आपको डेली टॉस, मैच और सेशन के साथ साथ ड्रीम 11 टीम भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो अभी ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंपेरिजन करते हैं पंजाब और कोलकाता की बैटिंग लाइनअप को और शुरुआत करते हैं ओपनर से। तो पंजाब के कप्तान शिखर धवन के सामने होंगे कोलकाता के जेसन रॉय। दोस्तों, पंजाब के कप्तान शिखर धवन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और 7 मैचों में 292 रन बना चुके हैं, जबकि जेसन रॉय 4 मैचों में 180 रन जड़ चुके हैं। बात करें दोनों में से बेहतर कौन है, तो धवन का पलड़ा ही मजबूत है क्योंकि वह आईपीएल के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। इस सीजन में भी वह कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं। पंजाब की बैटिंग का सबसे ज्यादा दारोमदार उन्हीं पर है। अब दूसरे नंबर पर पंजाब के प्रभ सिमरन सिंह के सामने हैं केकेआर के रहमानुल्लाह गुरबाज। दोस्तों, प्रभ सिमरन सिंह ने अभी तक आईपीएल 2023 के 10 मैचों में 219 रन बनाए हैं, तो वहीं केकेआर के ओपनर गुरबाज ने 7 मैचों में 183 रन बनाए हैं। दोनों का परफॉर्मेंस तो अब तक एवरेज ही रहा है। अगर कंपेरिजन की बात आती है तो मैं यहाँ पंजाब के प्रभ सिमरन सिंह को ऊपर रखूंगा क्योंकि वे बेहतर टच में लग रहे हैं। जितने मैचों में उन्होंने रन बनाए हैं उनमें शुरू से ही अटैकिंग बल्लेबाजी की है, जबकि गुरबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए रहमानुल्लाह गुरबाज और प्रभ सिमरन सिंह की बैटल में पंजाब के प्रभ ही बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पर पंजाब के मैट शॉर्ट के सामने होंगे कोलकाता के वेंकटेश अय्यर। दोस्तों, पंजाब के मैट शॉर्ट ने 6 मैचों में 117 रन बनाए हैं, जबकि केकेआर के वेंकटेश अय्यर अच्छी लय में दिख रहे हैं और 10 मैचों में उन्होंने 303 रन बनाए हैं। अगर कंपेरिजन करते हैं तो दोस्तों, वेंकटेश अय्यर का पलड़ा ही ज़्यादा मजबूत है। बेस्ट सीजन में 100 और 150 लगा चुके हैं, जबकि मैट शॉर्ट रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 150 भी वे नहीं लगा पाए हैं, इसलिए इन दोनों की प्लेयर बैटल में वेंकटेश ही जीतेंगे। वहीं अब नंबर 4 पर आते हैं पंजाब के लियाम लिविंगस्टोन और नीतीश राणा। दोस्तों, ये दोनों ही खिलाड़ी टक्कर के हैं और दोनों ही अपनी अपनी टीम के मिडिल ऑर्डर की जान हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं आगे लियाम लिविंगस्टोन को रखूंगा। शुरुआती मैचों में फ्लॉप रहने वाले लिविंगस्टोन अब फॉर्म में वापस आ चुके हैं और लास्ट 2 मैचों में उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाए हैं। नीतीश राणा भी बेहतरीन फॉर्म में हैं, लेकिन दोनों की भ्रंत में लिविंगस्टोन ही बाजी मारते दिख रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर पंजाब के जितेश शर्मा के सामने हैं कोलकाता के रिंकू सिंह। ये दोनों बल्लेबाज भी अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी के लिए विख्यात हैं। जितेश और रिंकू दोनों ने इस सीजन में अपनी फिनिशिंग एबिलिटी से इम्प्रेस किया है। जितेश ने अभी तक इस सीजन में 239 रन बनाए हैं, तो वहीं रिंकू ने 316 रन बनाए हैं। अगर कंपेरिजन करते हैं तो दोस्तों, मैं जितेश शर्मा के साथ जाना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि जितेश ने लगातार सभी मैचों में बल्ले से योगदान दिया है। भले ही वह कोई बड़ी पारी ना खेल पाए हों, उनकी कंसिस्टेंसी ही रिंकू से आगे रहने का सबसे बड़ा कारण है। अब दोस्तों, 6वें नंबर की बात करते हैं तो पंजाब के शाहरुख खान के सामने होंगे केकेआर के आंद्रे रसेल। यहाँ पर दोस्तों, बिना कोई डाउट के आंद्रे रसेल का पलड़ा भारी है। पंजाब के शाहरुख खान अब तक एक भी मैच में ढंग से रन नहीं बना पाए हैं, वह बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। दूसरी तरफ रसेल भी उस लय में तो नहीं दिखे हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं, लेकिन वे शाहरुख से तो बेहतर ही हैं। वह एक मैच विनर खिलाड़ी हैं और कभी भी बड़ी पारी खेल सकते हैं। रसेल टीम के सबसे अहम खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2023 के 53वें मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप का कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग लाइनअप से कंपेरिजन। आपके हिसाब से कौन सी टीम की बल्लेबाजी है ज़्यादा मजबूत और दोनों में से कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।